हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो स्टार्ट करते ये मैं क्या दिखा रही हूँ। तो सडन बना प्लान होम टाउन घूमने का, और रास्ते में हमें मिल गए ये बाबा जी, और इनकी खूब बढ़िया वाली क्लास दीदी ने लगाई है। आप रखो राधा राधा, जाओ मंदिर जाओ, भगवान की सेवा करो। ये जगह हमें मिल चुकी है और ये है हमारा स्पेस जिसमें आराम से सोते हुए हम घर तक पहुँच गए। मुझे आ रही थी भैया बहुत ज़ोर से नींद, और दीदी जगे हुए थे रास्तों की जांच पड़ताल करने के लिए, और फिर पहुंच गए हम घर। अगले दिन जब मैंने सो के उठ के देखा तो लेवर लगी हुई थी पूरा अपने काम पे, और गुड्डू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था हमें देख के। गुन्नू का ये मानना है कि गाड़ी बाइक स्कूटी तीनों उसकी हैं, तो उन तीनों की केयर भी उसकी है। भाई को जूस पीता देख गुन्नू को लगा कि इसी से बॉडी बनती है, तो एक गिलास जूस उसने भी अपने लिए बनवा लिया, जो कि उससे पीना बहुत ही हैवी हो रहा था। मैंने अपने लिए ले लिए फ्रूट्स, सबके लिए मैंने तैयार कर दिए फ्रूट्स हमारे घर की देसी थाली में। फ्रूट्स खाने के बाद मुझे मेरी ताकत दिखानी पड़ी घर की सफाई में, और पूरे घर में मैंने पोछा लगाया। और एज यू नो कि हमेशा छोटी बेटी को ही काम में पीसा जाता है, और बड़ी बेटी कुछ इस तरीके से आराम से सजधज के बैठती है। काश मेरी भी कोई छोटी बहन होती। और रुको रुको रुको, यहाँ पे देखना ये बच्चा क्या कर रहा है। ही इज कम्प्लीटली राम भगत, और वो डेली एक पेज राम नाम का लिखता है। ये जनरेशन है राम के भक्त, और ये दूसरी जनरेशन है सिद्धू मूसे वाले के भक्त, जिसके कान में हमेशा एयरपोड्स लगे होते हैं। नहा धो के रेडी होने के बाद हमें इनविटेशन आया हुआ था खाने का, और भाई अपने जूते साफ कर रहा था कुछ इस तरीके से, और हम सब तैयार हो चुके थे जाने के लिए। और यहाँ पे गुन्नू का कुछ अलग ही चल रहा था। गाइज आप लोग देखिए अपने नानू से कितना वो प्यार करता है, और नानू के लिए क्या कर रहा है। कहाँ पे नानू बीड़ी पीते अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं छुपा रहा हूँ। कहाँ छुपाई है बाबू, बता दो जल्दी से। कहाँ उसमें? उसके बाहर देखो। अभी देख रहा बाबू, गुस्सा करेंगे ना। अरे मम्मा क्या कर रहे हो, बात की बताओ, किसकी सोता में? ओह माय गॉड, बैक टू माय चैनल, बाय बाय टाटा, सी यू, गुड बाय। मम्मा तू क्या कर रही है, बंद कर दो, मत काट दो, मत सी। गाड़ी निकल चुकी है, मम्मा आ चुकी हैं, दीदी आ चुकी हैं, और अब डिसाइड किया जा रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा। और यहाँ पे दादी को बाय बोलते हुए, दादी जी गए नहीं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। दादी बाय। दादी हिंदी में बोला खाना खाओ, मम्मी आ जाओ। किसने बुलाओ भाई? आज नहीं, मैं एक लोरे उड़े राज ने अकेला नहीं जा सकता। मैं की पैर रखी नहीं, जींस पैर रखी पुरान थी भाई। आज ना लंबा है, क्यों फंट कर रहे तू? ओ लंबा भाई के लिए तावड़ो, आज लंबा दोस्त, जल्दी आ जा। और ये थी डेस्टिनेशन, किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी, वहाँ हम गए थे। और खाना पीना सारा इकट्ठा करके हम लोग लग गए खाने में, और इधर ये है भाई का दोस्त जिसको स्पेशली उसने बुलाया है कि वो अकेले खाना नहीं खा सकता। घर पे आने के बाद यहाँ पे प्यार मिल रहा है सारा गुन्नू को, और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और गुन्नू की इतनी पिटाई करने के बाद भी उसने मम्मू को नहीं छोड़ा, लास्ट में उसे इरिटेट करके मैंने उससे फाइट की, तब जाके वो मेरे पास आया है। और मैंने उसने बहुत सारी लड़ाई की, हमारी हो गई सीरियस वाली लड़ाई कि कौन मम्मू से ज़्यादा प्यार करता है। और सीरियस लड़ाई में उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, और दीदी चुपचाप सब देख रहे थे, मम्मू चुपचाप वीडियो बना रहे थे, मुझे किसी ने नहीं बचाया। यहाँ पे चल रहा है माँ बेटे का प्यार, और ये हीरो आया है उठ के, जिसको पता ही नहीं यहाँ क्या चल रहा है।
और यहाँ बन रही है गांव की देसी बाजरे की खिचड़ी, जिसे खाने के बाद मैं वापस निकल जाती हूँ दिल्ली के लिए। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।